फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगर वसीयत किए बगैर पिता की मृत्यु हो गई तब भी बेटियों को संपत्ति में हक मिलेगा, इस बारे में पूरी जानकारी हम जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला हिंदू महिलाओं और विधवाओं के हिंदू उत्तराधिकार कानून में यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार संपत्तियों के अधिकारों को लेकर दिया है। जैसे कि इस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई हिंदू व्यक्ति बगैर वसीयत यानी विदाउट विल किए उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी स्वार्जित संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति या पारिवारिक विरासत में मिली संपत्ति में बेटियों की हिस्सेदारी रहेगी। अगर बेटियों को मृत पिता के भाई के बच्चों की तुलना में संपत्ति में वरीयता दी जाएगी। अब मृत पिता की संपत्ति का बंटवारा उनके बच्चों द्वारा आपस में किया जाएगा। जस्टिस की पीठ ने 51 पेज के फैसले में यह बात कही है। अब माननीय कोर्ट ने अपने फैसले में इस सवाल का भी निपटारा किया कि क्या संपत्ति बेटी को उसके पिता की मृत्यु पर या किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में पिता के भाई के बेटे को जीवित रहने पर भी हस्तांतरित होगी। अब इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता की स्वार्जित यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या पारिवारिक रूप से मिली संपत्ति में किसी विधवा या बेटी का हक न केवल पुराने परंपरागत हिंदू कानूनों में बल्कि विभिन्न न्यायिक फैसलों में भी कायम रखा गया है। अब बगैर वसीयत मृत हिंदू महिला की मृत्यु होने पर किसका हक होता है, इस बारे में हम जानेंगे। जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी हिंदू महिला की विदाउट विल किए मृत्यु हो जाती है तो जो संपत्ति उसे अपने पिता या माता से विरासत में मिली है वह उसके पिता के वारिसों को मिलेगी, यानी उसके सगे भाई बहनों व अन्य को मिलेगी। जबकि जो संपत्ति उसे अपने पति या ससुर से मिली है वह उसके पति के वारिसों यानी खुद के बच्चों व अन्य को मिलेगी। अब पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून की यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 15(2) जोड़ने का मूल मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी निसंतान हिंदू महिला की वसीयत किए बगैर यानी विदाउट विल मृत्यु हो जाती है तो अब उनकी संपत्ति मूल स्रोत यानी जिससे उन्हें मिली है उसकी हो जाएगी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनाया। अब हाई कोर्ट ने बेटियों के संपत्ति पर दावे को खारिज कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चूंकि विचाराधीन संपत्ति एक पिता की स्वार्जित संपत्ति थी यानी उस पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, अब इसलिए यह उनकी एकमात्र जीवित बेटी को विरासत में मिलेगी। यह थी सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला था, जबकि बेटी को अपने विदाउट विल किए बगैर अपने पिता के संपत्ति में हक मिलेगा या नहीं। थैंक यू।